स्टोरी पे बेस्ट है ये। और जो लाइफ में मोस्टली जो गलतियाँ होती है, क्यों होती है, क्योंकि गलतियाँ कोई जानबूझ के करता नहीं है, अनजाने में होती है। तो बस ये जिस तरह से गलतियाँ इसमें हुई है वो आप लोगों से नहीं होना चाहिए, और उसको किस तरह से सुधारना चाहिए वो सारा कंसेप्ट इसमें है। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है इसमें, प्यार है, लड़ाई है, झगड़ा है, कॉमेडी है, सब कुछ है। और ये हमारे डायरेक्टर मेहताब जी है, ये हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर मासूम सर है, उन्होंने काफ़ी अच्छा शूट किया है, और सारी इन लोगों की मेहनत है जो हम कर रहे हैं। और ये हमारी मूवी का भी तीसरा सॉन्ग रिकॉर्ड यहाँ पे हो रहा है, और उसके बाद मैं बताना चाहती हूँ, ये हमारे राइटर है संजीव श्रीवास्तव जी, इन्होंने बहुत ही उम्दा सॉन्ग लिखा हुआ है जो कि सबको पसंद आया है। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें गुड विशेस चाहिए इस सॉन्ग के लिए। सिंगर बहुत अच्छे हैं, संदीप सिंगर है इसका, पूजा है, और गौरव सिंह इनके म्यूज़िक डायरेक्टर है, और बहुत मज़ा आ रहा है, और सॉन्ग बहुत ही ऑसम है। सर आपसे हम क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का गीत है और क्या सिचुएशन है और कैसा आपको अनुभव लिखेंगे? सर ये बहुत ही इमोशनल सॉन्ग है और बहुत हार्ट टचिंग सॉन्ग है, सबको बहुत पसंद आने वाला है, और ये सबके लिए है, चाहे किसी भी एज के लोग हैं, सबके लिए गाना बड़ा दिल को छुएगा। और इसके जो लिरिक्स हैं बहुत अच्छे हैं, बाकी आप लोग देखिए आगे आप लोगों को। तो गायक गायिका के बारे में बताइए, सारे नए हैं कि कोई एस्टैब्लिश्ड है? नहीं है, मिस्टर संदीप जायसवाल जी ने काफ़ी काम किया, उनके जी के साथ काफ़ी सॉन्ग्स आए हैं, और अभी उनकी मूवी रिलीज हो रही है अभी बहुत जल्दी, इसमें पलक मुशल ने गाना गाया है, इरफान ने गाना गाया है, तो वो नए नए करीब तकरीबन 4-5 साल से गाना गा रहे हैं,
और अभी क्या उनकी दो चार बड़ी फिल्में आ रही हैं और हमारे साथ वो जुड़ चुके हैं, तो हम लोग मिलके और भी दो चार बड़े जो प्रोजेक्ट उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ये जो गाना ही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सर आप बताइए, प्रचित जी बताइए कैसे जुड़ा इस प्रोजेक्ट से और क्या करना जी। प्रोजेक्ट के बारे में सर मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी जो आज हमारा गाना रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है, सर ने काफ़ी अच्छा गाना रिकॉर्ड इसका लिखा है, लिरिक्स लिखा है, और मतलब जैसे मुझे पता चला था म्यूज़िक के बारे में, इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता मेरी फिल्म के लिए, ठीक है, क्योंकि म्यूज़िक किसी भी फिल्म के लिए म्यूज़िक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो हमारी म्यूज़िक से भरी हुई फिल्म है पूरी, ठीक है, जितने भी गाने हैं इस फिल्म के लगभग सारे ही बेहतरीन हैं, और हम लोग का प्लान भी है लगभग 30 सीरीज या उससे रिकॉर्ड करने का और रिलीज़ करने का फिल्म, तो और सिंगर है पूजा गिरी जी और संदीप जायसवाल जी ने बहुत अच्छा गाया, जिसकी अभी रिकॉर्डिंग आपने देखी भी है, आपने खुद ने भी सुनी, आपने खुद ने भी इंजॉय किया होगा, ठीक है, तो इसका म्यूजिक दिया संदीप गौड़ जी। सर योर नेम इज माय नेम इज मासूम अली एंड यस थैंक यू जी। माय नेम इज मासूम अली, हमारी फिल्म के डायरेक्टर हैं मेहताब भाई गौरी, हमारी फिल्म के एक्ट्रेस बहुत अच्छी एक्टिंग की है, राइटर सर हैं, और मेहताब भाई ने बहुत अच्छा काम किया, टेक्निकली बहुत अच्छे बहुत साउंड है फिल्म, आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा बहुत अच्छा डायरेक्ट किया इन्होंने, बहुत जल्द हम लोग फिल्म का लास्ट शेड्यूल करने वाले, मेरे में भी कब तक जनवरी के 15 तारीख तक हम लोग फाइनल शेड्यूल कंप्लीट हो जाएगा और बाय मार्च हम लोग रिलीज होगी। और हमारी फिल्म के अंदर सबसे बड़ी जो मेरी ताकत है वो है हमारे मासूम भाई। अरे नहीं नहीं नहीं, मासूम भाई इस फिल्म के यूँ कह सकते क्रिएटिव डायरेक्टर भी है, सबसे बड़ी ताकत है, हम लोगों ने मिल के इस फिल्म को बहुत अच्छी मेहताब भाई पूरी टीम वर्क है, खाली मैं नहीं, खाली मैं नहीं, खाली मेहताब भाई, खाली मैं नहीं, खाली मेहताब भाई नहीं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर हीरो हीरोइन क्रिएटिव जितने भी हैं, जैसे DOP हैं हमारे स्पॉट वाले भी, हर एक के बिना मतलब फिल्म बनना इम्पॉसिबल है, एक अच्छी टीम होना बहुत जरूरी है। सो व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर यू आर प्लेइंग इन द फिल्म एंड व्हाट इज स्ट्रेंथ फोकस योर कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर यू आर प्लेइंग? इट्स लाइक अ इमोशनल टचिंग गर्ल, और मैं काफ़ी रिच फैमिली से दिखाई हुई हूँ, और मेरे जो फादर का रोल प्ले कर रहे हैं वो शहबाज खान जी, वो बहुत एरोगेंट एंड एटीट्यूड एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हूँ मैं, फिर भी मुझे एक नॉर्मल इंसान से मतलब हीरो से मेरे प्यार होता है, उसकी जो डिसेंसी होती है, उनका जो नेचर होता है, उनका एटीट्यूड होता है, उससे मुझे प्यार होता है, और देन वो सारी जर्नी है उसके बाद क्या होता है, कितने सारी मुश्किलें आती हैं, और नॉर्मल आपको पता है कि हर कहानी में ये होता ही है लव स्टोरी का, लेकिन इसमें कुछ अलग है और कुछ डिफरेंट है, इसका एंड भी बहुत अच्छा है, तो नो डाउट कोई गेस नहीं कर पाएगा कि इसका एंड क्या है, और बहुत अच्छी लोकेशन शूट। हाँ मुझे ये बताना था कि इसका शूट हमारा हरियाणा में हुआ है, सॉन्ग अलग अलग प्लेस पे होने वाले हैं, और बॉम्बे में कुछ शूट होगा और जो सॉन्ग हो गए हरियाणा में हो गए, कुछ बॉम्बे में हो गए, कुछ आउट ऑफ इंडिया होगा, बस। तो गौरी जी, यू आर जस्ट कंट्रीब्यूटिंग एज एन एक्ट्रेस या अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ यू आर बीइंग पार्ट ऑफ इट? नो, ओनली फोकस ऑन एक्टिंग, बस सपोर्ट मैं इनको करती हूँ, जैसे मेरे जो प्रोड्यूसर है जो आज नहीं आ पाए क्योंकि उनका शूट रात भर चलता रहा, उनका पैकअप हुआ विनोद जी का, तो बस चल रहा है सपोर्ट, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो सपोर्ट तो करना बनता है। या मराठी प्रोजेक्ट, नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैं मराठी प्रोजेक्ट एंड वन इज हिंदी प्रोजेक्ट, बिग प्रोजेक्ट, जस्ट सरप्राइज है। एज़ आई वांट टू से वंस कि ये जो गाना मुझे मिला इस मूवी के अंदर, सबसे बड़ा थैंक्स का जो पार्ट बनते हैं गौरी जी हैं, जस्ट हम लोग हमारे से मिलने के लिए आए थे और हमने उनको गाना सुनाया और उन्होंने भेजा डायरेक्टर सर को और प्रोड्यूसर को, इतना अच्छा लगा कि वो विद इन हाफ एन आवर फटाक से उसको लॉक किया और काम चल गया। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, हमारी फिल्म जो गलतियाँ है, गलतियाँ के अंदर हमने म्यूजिक से सजाया है, एक्शन से सजाया है, कॉमेडी से सजाया है फिल्म को, और फिल्म में जो कुछ भी वाला सारे मसाले हैं फिल्म के अंदर, इमोशन है, रोमांस है, सस्पेंस है, सब कुछ है, तो जिस दिन फिल्म आएगी हमारा पेज लाइक करिए, काफ़ी सारे नॉन आर्टिस्ट हैं, मतलब आपको सारी मार्केट के काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं, और अभी हमारी बात चल रही है अभी इसलिए पहले काफ़ी सर हमारा प्लान मार्च से अप्रैल के बीच में ही है। एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट है मुझे संदीप और गौरव मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं, और बहुत ही अच्छा दोनों का म्यूज़िक है, संदीप बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा कंपोज भी करता है, तो उनके थ्रू मुझे ये सॉन्ग मिला, और गौरी जी को मेरा वॉइस पसंद आया तो इन्होंने और ज़ोर लगाया कि इनको फाइनली इनसे ही गवाना है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने फाइनल डब किया इस
इस सॉन्ग को, और लाइंस भी काफ़ी अच्छी है, संजीव जी ने लिखा है, संजीव श्रीवास्तव जी ने, बहुत ही टची लाइंस है इसकी, और काफ़ी इमोशनल सॉन्ग कह सकते हैं एक लड़की के लिए, और उन पर फिल्म आया जा रहा है, तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि जी मैं दो लाइन गा देती हूँ। राह तेरी छोड़ चली मैं किसी की ओर, सज रही हूँ जल रही हूँ कर न कर दुगार, तेरे जैसा ना मिले किसी को दूसरा, तू भी तके राह किसी का हो के यूं खड़ा, गलत फहमियाँ बन गई तेरी मेरी दुनिया। ये जो टैग लाइन है ये काफ़ी पॉपुलर होगी इस गाने की, मुझे लगता है बहुत ही सोचफुल सॉन्ग है और हिट जाएगी मूवी, हिट जाएगा सॉन्ग। तो मेरा नाम जसवीर हीरा है जी, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, और मेहताब सर ने जो इसका जो पार्ट था जो हरियाणा में शूट हुआ वो बहुत ही बढ़िया तरीके से किया, और उसके अंदर काफ़ी वहाँ के लोगों ने भी काम किया, और मासूम सर हैं इन्होंने बहुत अच्छे प्रकार से हमें सभी कलाकारों को समझाया और सबको एक एक चीज़ बता कर इन्होंने बहुत ही अच्छा काम करवाया सभी आर्टिस्ट। इस मूवी का सबसे डिफिकल्ट टर्न है, यू टर्न बोला जा सकता है, वो है कि जो अच्छी सी लव स्टोरी चल रही थी बीच में ऐसा कुछ होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरे पूरा पॉलिटिकल फैमिली है तो उसमें, और गरीब घर का लड़का है, तो पूरा दोनों की जर्नी दिखाई है जो डिफरेंट है। बहुत ही सैड सॉन्ग है, जो आधी जर्नी उनकी दिखाई गई है आधी मेरी दिखाई है, कि जो दूरियाँ जिससे आपने मैं मतलब छुपा भी नहीं सकती क्योंकि गाने में ही है गलत फहमियाँ हो गई तेरी मेरी दूरियाँ, तो इसमें वो दूरियाँ हैं उसको पूरा पॉइंट आउट किया गया है गाना, और बहुत अच्छा मुझे बहुत पसंद आया इनका वॉइस जो मुझे दिया जा रहा है, थैंक यू पूजा, और बहुत मज़ा आया, और मैं संजीव श्रीवास्तव जी को थैंक्स बोलती हूँ क्योंकि उन्होंने वो लिरिक्स लिखे और डायरेक्टर सर ने जैसा सोचा था वैसे हो गया है, और उन्होंने सॉन्ग सुनने के बाद मुझे तुरंत थीम बताई मासूम सर ने, और बहुत ही अच्छी थीम है और इस तरह से फिल्माया जाएगा, और थैंक यू सो मच। बाकी आप फिल्म के एक्टर या प्रोड्यूसर विनोद जी यहाँ पे आज नहीं दिख रहे हैं, क्या कारण है? कारण ये है कि कल उनका शूट था एप्पल स्टूडियो में, और वो पूरा शूट हमारा मतलब रात के 3 बजे पैकअप हुआ है, तो उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है और इसलिए वो आराम कर रहे, तो हमने कहा आपको आने की ज़रूरत नहीं, हम हैं ना, तो हम लोग संभाल रहे हैं। थैंक यू। जैसे कि मूवी का नाम गलतियाँ है तो क्लियर हो जाता है कि इस मूवी में काफ़ी सारी गलतियाँ दिखाई गई, तो लेकिन ये रियलिटी स्टोरी है, इसमें कोई फेक नहीं है, बस फिल्मी तरीके से इसे फिल्माया गया है। जो हमारे प्रोड्यूसर है और जो एक्टर भी है विनोद, उन्होंने एक पूरा क्रिएट किया है, और जैसे कि मासूम अली खान और हमारी मेहताब खान जी डायरेक्टर है, उन्होंने काफ़ी अच्छा फिल्माया है, और मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि इसमें मेरे बहुत सारे शेड है अलग अलग, घर में हूँ तो पापा के साथ अलग, फैमिली में अलग, उसके साथ मैं स्कूल में अलग दिखाई हूँ, उसके साथ मेरे हीरो के साथ बिल्कुल इमोशनल टच है, और जिस तरह से रिच से एकदम पुअर तक कैसे आई वो सारी जर्नी है, और उसका काफ़ी सारा शूट हमारा हरियाणा में हुआ और काफ़ी अच्छे लोकेशन में हुआ, यहाँ पे आपको डिफरेंट लोकेशन देखने के लिए मिलेगी। और एक बार ये शूट करते हुए मुझे बहुत मज़ा आया, समटाइम ऐसा लगा कि यार ये मेरी रियल स्टोरी तो नहीं है, और हर किसी को यही होगा कि ये हमारे रियल स्टोरी तो नहीं है, क्योंकि ये हर किसी का साथ होता है, जबकि हर किसी को प्यार होता है, हर किसी के साथ में ये होता है लाइफ में कि ये हमारा जो जब प्यार होने के बाद जो जर्नी होती है वो सारी सब कुछ इसमें दिखाई देती है। ये रोमांटिक ड्रामा है, इसमें रोमांस भी है और ड्रामा भी है, तो ये रोमांटिक ड्रामा है पूरा। हाँ काफ़ी सारे, अभी इसमें मुश्ताक खान जी है, साबर खान है, फिर उसके बाद हमारे शक्ति कपूर जी है, फिर हाँ शक्ति कपूर जी का भी बहुत अच्छा रोल है, मतलब सबके अलग 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 रोल है और काफ़ी अच्छे नोन आर्टिस्ट है। अभी हमारा जो नेक्स्ट शेड्यूल है वो 15 जनवरी से है, तब तक तो और ज़्यादा स्टार कास्ट बढ़ने वाली है इसमें, और बहुत ही अच्छा है, मतलब उनका कैरेक्टर, हर किसी के कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं।
हाँ, इसके अलावा मैं एक मराठी प्रोजेक्ट कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा मराठी, वो चैलेंजिंग रोल वाला प्रोजेक्ट है, वो कर रही हूँ। और एक हिंदी मूवी कर रही हूँ मैं, उसमें काफ़ी बड़े बड़े डायरेक्टर हैं और वो मेरी स्क्रिप्ट मतलब कॉमेडी जोन, मैं फर्स्ट टाइम कॉमेडी जोन में दिखूँगी, उसमें फुल ट्विस्ट कॉमेडी है। ओह माय गॉड, क्या क्वेश्चन किया है। जैसे ही वेब सीरीज बोलते हैं तो मुझे डर सा लगता है कि वेब सीरीज, ओह माय गॉड, क्योंकि हर किसी का आता है अरे वेब सीरीज है, नेटफ्लिक्स का है, इसका है, उसका है, तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि सर बोल तो नहीं है। तो अभी एक वेब सीरीज़ मैं करूँगी जिसमें शिल्पा शिंदे जी है, और अभी चल रहा है उसके ऊपर, उसके ऊपर पूरा वर्किंग चल रहा है, अगर देखती हूँ क्या करना है हमें आगे। ये तो सर चांस मिला है काम करने का हमें, उन लोगों के साथ तो बनाया गाना, अभी तो आगे तो देखते हैं क्या मूवी का क्या रिस्पांस है, गाने क्या रिस्पांस आता है। हमने अपनी पूरी मेहनत करी गानों पे, तो सबने अपना अपना अच्छा आउटपुट दिया है, सबको गाना पसंद भी आया, पहली बार इस लोगों ने सुना भी है तो उनको गाना तो सामने अच्छा रिव्यू आया, तो अच्छा बोल रहे हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। म्यूजिकल का म्यूजिकल पार्ट वो किस तरह से मतलब म्यूज़िक हमने स्टार्ट किया था, तो मुझे फ़ोन आया था कि संजीव सर का कि भाई गाना आपका लग गया है, हमें म्यूज़िक करना है, इसका भेजना है जैसे जब, तो रात में आप कुछ बना के भेज दो मुझे रात ही रात में। तो फिर मैं रात ही रात बैठा था, देन 2:30 बजे करीब मैंने गाना बनाया रात में, और उनको सुबह 4 बजे तक मैंने मेल कर दिया कि आप गाना उनको सुना देना, मैंने आपको बना के भेज दिया। सुबह सुबह रिस्पांस आया कि गाना अच्छा लगा उनको, हम आगे काम करते हैं, मैंने कहा ठीक है। तब मैंने सुबह काम करना स्टार्ट किया, उस पर अच्छा बनाया, और देन फिर हमने रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो बुक किया, देन आज रिकॉर्डिंग है, फिर अभी इसमें कुछ काम बचा हुआ है तो इसको भी और होगा, वो अच्छा लगेगा मुझे। और जो गायक और गायिका हैं क्या कहना चाहेंगे? ये जो है ये इसका फील बहुत अच्छा है, नो डाउट इसका गाने का फील बहुत ही अच्छा है। तो मेल में मैंने संदीप को ही गवाया था गाना कि यार इसका गाने को जस्टिफाई करती है इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा, और सबको इसकी आवाज़ पसंद भी आती है, ऐसा नहीं है। और फीमेल में उसका बहुत अच्छी आवाज़ है, ये ऑलरेडी अच्छी गाने गा चुकी है मोस्टली काफ़ी, और तो मैंने फ़ोन किया उसको कि मैंने गाना करना है, अगर फ्री हो तो आ जाओ, तो ये आई इसमें अभी डब किया, सुना, अच्छा लगा, देन भी सामने से आउटपुट अच्छा है कि हाँ सेवा अच्छी लगी जाएगी, देन हमने फिर इसको फाइल करके आज रिकॉर्ड किया। और जो लिरिक्स है क्या है? ये हमारे मतलब वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, चार्म है, लकी चार्म है। तो इन्होंने बहुत ही खूबसूरत लिखा है गाना, और मतलब सरप्राइजिंग वो था हमारे लिए, सरप्राइज था कि ये है एक्टर, और अचानक से इन्होंने लाइन अपनी पुरानी थे, ये ललित अब से अच्छा खासी एक्टिंग करते थे, बीच में इन्होंने ड्रॉप करके अपना अपना एक्टिंग करा, अच्छा चला इनका मार्केट एक्टिंग है, अच्छा चला, करते भी अच्छी एक्टिंग अभी, और तो फिर इनका आया शौक की बीच में, नहीं यार लिरिक्स का मेरा पुराना शौक है, मेरी मम्मी का भी ख्वाहिश है कि मैं राइटर बनूँ अच्छा, तो उन्होंने फिर से स्टार्ट किया है, और पहला गाना इनका भी जा रहा है, तो मतलब इतनी वाहवाही मिल रही है इनको, और हम लोगों को भी अच्छा लग रहा है कि हाँ यार सबने अच्छा रिस्पांस दिया है गानों को, और इनके रिलीज को सब पसंद भी कर रहे हैं कि नहीं यार आपने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, तो ये इनके लिए हमारे लिए लकी चार्म है, और इनका ये टैलेंट है तो अच्छी बात है, मतलब बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। सिंगर से नहीं नहीं आपने कैसा अनुभव था, क्या सिचुएशन है उसके लिए बताया नहीं आपने? सर बहुत अच्छा लगा ये सर सॉन्ग, जब से सर लिखे हैं, सर ने लिखा था बताया मुझे बताया, और फिर मैंने इसको देखा, तो फिर मैं एक दिन तो हम लोग सर डिस्कस कर रहे थे सर के साथ कैसा बनेगा ये, एक बार हम लोग बनाए, थोड़ा सा अलग बना, दूसरी बार बनाए, सर को बहुत पसंद आया, फिर हम लोग बना ही रहे थे, फिर एक बार ये मिल गई थी गौरी जी, फिर हम लोग उनको सुनाया, उनको बहुत अच्छा लगा सर, उनकी सिचुएशन में बैठ गया, तो फिर बाद में हम लोग स्टार्टिंग कर दिए सर बनाना। गाना हम लोग ये गाने की डेस्टिनी होती है, ये गाना से बन के कहां कहां पहुंच जाता है, और ये गाना हमने लिखा था किसी और मूवी के लिए, और उनका थोड़ा सा डिले हो रहा था आजकल में, तो सबसे बड़ा हमारे लिए मतलब मैं थैंक यू बोलूँगा गौरी को, ग्लैन कि गौरी जी ने गाना सुना, सिर्फ 4 लाइन सुनी और सुन के बोला कि डन, बोला आधा घंटा भी नहीं हुआ कि हमारे पास इसका टोकन अमाउंट आ गया और हमने बस काम करना चालू कर दिया, तो गौरी जी को बहुत बहुत थैंक्स, थैंक यू कि एक अच्छा मतलब शुरुआत दी, और शुरुआत तो होनी थी कहीं कहीं से इस मूवी से हुई, और मैं चाहता हूँ कि गाना सबको पसंद आए, और आने वाले समय में और भी अच्छे हम गाने देने वाले हैं बॉलीवुड को। Thank you.